ग्रेटर नोएडा से लापता श्रीनगर का छात्र एहतिसाम बिलाल का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। वह ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क स्थित शारदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है और 28 अक्टूबर से लापता है। इस मामले में जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह को ट्वीट कर हस्तक्षेप की मांग की है। पिछले दिनों शारदा यूनिवर्सिटी में अफगानी और भारतीय मूल के छात्रों के बीच विवाद हुआ था। इस दौरान कश्मीर के छात्र एहतिसाम पर भी हमला हुआ था। एहतिसाम BMIT फर्स्ट ईयर का छात्र है। उसकी फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा पिछले हफ्ते ही खत्म हुई थी। वह 28 अक्टूबर को घूमने के लिए निकला था। उसके बाद नॉलेज पार्क स्थित अपने हॉस्टल नहीं पहुंचा। इस मामले में उसके चचेरे भाई मोहसिन की शिकायत पर नॉलेज पार्क थाने में केस दर्ज कर लिया गया था। 28 अक्टूबर को पुलिस की जांच में लापता छात्र की लोकेशन 12 बजे तक दिल्ली में मिली थी। उसी रात पुलिस को उसकी लोकेशन जम्मू में मिली, लेकिन वह घर नहीं पहुंचा। अब इस मामले में महबूबा मुफ्ती ने गृह मंत्री को ट्वीट कर इस मामले से अवगत कराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पलपल न्यूज़।